प्रजापति खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट। आपको बता दें कि एनसीपी के तरफ से कल 24 फरवरी को जुमा के बाद यानी 2 बजे के बाद दारुल फलाह मस्जिद से लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के पास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक तक मूक मोर्चा निकाला जाएगा। दरअसल ये मूक मोर्चा जिस तरह से आरोप लगा था महेश आहिर पर, विधायक जितेंद्र भट्ट के परिवार को धमकी दी गई थी, इस पूरे मामले को लेकर जो है महेश आहिर के खिलाफ जो है मुमरा शहर में कई जगह पर पोस्टर ब्लैक बैनर जो है लगाए गए थे। और इसमें जो है बताया गया था कि कल जुमा के बाद 2 बजे के वक्त जो है एक मूक मोर्चा दारुल फलाह मस्जिद के पास से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक तक निकाला जाएगा। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि जो 2 बजे का वक्त बताया गया था एसपी की तरफ से, ये कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल ये जानकारी तब सामने आई जब मनपा के तमाम कर्मचारी जो महेश आहिर के खिलाफ मुमरा शहर में जगह जगह पर बैनर लगाए गए थे उस पर जो है कार्रवाई की गई और वो बैनर जो लगाए गए थे मनपा ने उस बैनर को उतार कर जब्त कर लिया। इसके बाद जो है ये जानकारी सामने आई कि जो एनसीपी के कार्यकर्ता है उन लोगों ने बताया कि जो हमारा मूक मोर्चा कल दारुल फलाह मस्जिद से अम्बेडकर चौक तक होने वाला था, बहरहाल उसे कैंसिल कर दिया गया है और आज या कल 1-2 दिन में जो है मीटिंग ली जाएगी और इसके बारे में डिसीजन होगा कि मूक मोर्चा जो है आने वाले दिनों में कब निकाला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से जितेंद्र भट्ट के परिवार से सुरक्षा की मांग की जा रही है और महेश शहर के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुमरा शहर में 24 फरवरी जुमा की नमाज के बाद 2 बजे जो है ये मूक मोर्चा निकाला जाना था, लेकिन अब जानकारी सामने आई कि ये जो है कैंसिल कर दिया गया है यानी कि नहीं निकाला जाएगा। और जो महेश आहिर के खिलाफ बैनर मुमरा शहर में जगह जगह लगाए गए थे, बहरहाल मनपा ने कार्रवाई करके ये बैनर भी उतार लिया।